क्या आप भी ये तीन गलतियां कंटिन्यू अपने ट्रेडिंग के अंदर करते हैं? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के अंदर जो तीन मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर्स की, वो इनहेरिटेंट प्रॉब्लम है, वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो हर ट्रेडर करता ही करता है, उन गलतियों से गुजरता ही गुजरता है। और जब तक वो गलतियां करता रहता है तब तक के वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं कैश सेगमेंट में और अगर आप स्विंग करते हैं कैश सेगमेंट के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक समुंदर से ज़्यादा जो है लर्निंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर ये तीन पॉइंट्स जो आप गलतियाँ कंटिन्यू कर रहे हैं और आप मुझे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि वाकई आप ये गलतियाँ कर रहे हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं कंसिस्टेंट आपके लिए बनाता रहता हूं और आप जो है इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली गलती, एक ट्रेडर जो है वो अपने फील्ड ऑफ बैटल को यानी ग्राउंड ऑफ बैटल को चूज़ नहीं कर पाता है। अब इसका क्या मतलब है आप सोच रहे होंगे कि ग्राउंड ऑफ बैटल क्या होता है, हम तो आते हैं ट्रेड करते हैं, ग्राउंड ऑफ बैटल का क्या मतलब, ये सर क्या अनोखी चीज़ बता रहे हैं। तो ग्राउंड ऑफ बैटल का मतलब ये है कि आप जब ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा जो ग्राउंड है बैटल का वो कौन सा है, मुझे जो जंग लड़नी है वो किस टाइम फ्रेम में लड़नी है, किस सेगमेंट में लड़नी है और कौन सा वो ग्राउंड है जहाँ पे मैं सक्सेस हो सकता हूँ। पुराने ज़माना में आप देखते होंगे, पुराने ज़माने में आप देखते होंगे जब राजा महाराजा बादशाह और जो सुल्तान होते थे जब वो लड़ा करते थे तो वो एक फील्ड चूज़ करते थे जो दोनों के लिए फेवरेबल होता था। कई बार एक पार्टी के लिए अनफेवरेबल हो जाता था, दूसरी पार्टी के लिए फेवरेबल होता था, तो जो पार्टी के लिए फेवरेबल होता था यानी जिस सल्तनत के लिए, जिस बादशाह के लिए, जिस राजा के लिए फेवरेबल होता था वो बैटल ग्राउंड, तो वो राजा उसकी जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो आप इसको कैसे चूज़ करेंगे ग्राउंड ऑफ बैटल, किस तरीके से इसको जो है आप मुतय्यन करेंगे, किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे कि मेरा ग्राउंड ऑफ बैटल क्या है। मान लो आप आए और ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए और कंसिस्टेंट आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रहे हैं, तो एक बड़ी चौकड़ी मारो, मेरे लिए ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये आपका ग्राउंड ऑफ बैटल नहीं है। आप अगर आए और तुरंत फ्यूचर शुरू कर दिए तो आप जो है फ्यूचर में कंटिन्यू लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस अगर ये कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत चौकड़ी मारो। तीन महीने बाद, एक क्वार्टर काम करने बाद अगर अनप्रॉफिटेबल हैं तुरंत चौकड़ी मार दो। ये मत सोचो, मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस मत देखो कि जीत आपकी होगी, आप ही जीतेंगे, यहाँ सिर्फ हार्डवर्क करने के बाद जीत और हार का फैसला नहीं होने वाला है, यहाँ आपका पैसा कंसिस्टेंट जा रहा है, आपकी मेहनत भी कंसिस्टेंट जा रही है और कई लोगों का तो घर बार दुकान मकान खेत सब चले जाता है। इसीलिए आपको ग्राउंड ऑफ बैटल को चूज़ करना है। अब आप दोनों जगह अगर तीन तीन महीना फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस को देखना है। अब आपको करना क्या है, आपको आना है कैश सेगमेंट में और कैश सेगमेंट के अंदर आपको काम शुरू करना है। कैश सेगमेंट में मान लो आप धीरे 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 प्रॉफिट लॉस करते करते प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो ये आपका ग्राउंड ऑफ बैटल है, ये आपकी जंग का मैदान है, आप इस जगह पे लड़ाई हमेशा लड़ते रहोगे और आप हमेशा जीतोगे। मान लो कैश सेगमेंट में इंट्राडे आप कर रहे हो और आप तीन क्वार्टर के बाद अनप्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट आपका नहीं बन रहा है, प्रॉफिट लॉस करते करते आप फाइनली लॉस में हो, तो आप स्विंग सेगमेंट के अंदर आओ, कैश के अंदर स्विंग सेगमेंट में। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा आपको, क्यों, ये प्रोफेशनलिज्म पे बढ़ने के लिए पहला कदम है। अगर आपको कोई ये बता देगा तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, ये कोई बताएगा नहीं, लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, लोग आपको टिप देंगे, लोग आपको एडवाइजरी देंगे और आपसे कंटिन्यूअस जो है पैसा लेते रहेंगे और आपको एडवाइजरी देते रहेंगे और आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस खाते रहोगे। इस तरीके से काम नहीं करना है।
अगर आपने इंट्राडे के अंदर पैर जमा लिए तो ये आपका बैटल ऑफ ग्राउंड हो गया, यानी आपकी जंग यहाँ पे लड़ी जाएगी और आप यहाँ पे जीतने के अंदर सक्षम हो। मान लो आप ऑप्शन फ्यूचर में हार गए, फ्यूचर्स के अंदर भी हार गए, इंट्राडे कैश सेगमेंट में हार गए, देन आप स्विंग के अंदर आओ और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप अगर जीत रहे हो तीन क्वार्टर, तीन महीने के बाद, एक क्वार्टर के ट्रेडिंग के बाद आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप जो है यहाँ पर आपका बैटल ऑफ ग्राउंड बनेगा और आप यहाँ पे एक अच्छा चौका छक्का मारोगे, यहाँ पे आपकी जीत मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप जर्नी तय करोगे, सही तरीका तो ये है कि आप जो है स्लो स्टार्ट करो, ETF, स्टॉक इन्वेस्टिंग विद देन स्विंग ट्रेडिंग कैश में, फिर इंट्रा कैश में, फिर 4-5-6 साल में अच्छे से प्रॉफिट बन जाए तो आपको ऑप्शन फ्यूचर में आना है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो वहीं से ट्राई करो। पर उसको स्किप और क्विट कब करना है वो मैं बता रहा हूँ। 3 महीना इनफ है यार अपने आप को आजमाने के लिए, उससे ज़्यादा मत आजमाओ। पैसा बर्बाद हो रहा आपके वक्त के साथ साथ, वो भी आप सोचो। आपके पास अगर लड़ाई लड़ना है तो फौजी होना चाहिए, और इस मार्केट के अंदर फौजी क्या है, हमारा कैपिटल है, हमारा कैपिटल ही हमारा सिपाही है। अगर आप सिपाही को कंटिन्यू मरवाते रहोगे तो जंग कैसे जीतोगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है ना, जो ट्रेडर कंटिन्यूस लूज कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, वो ये दूसरी गलती अक्सर करते हैं, और जो तीसरी गलती है वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती मैं बताऊँगा। दूसरी गलती वो ये करते हैं, दे डू नॉट यूज प्रोबेबिलिटीज। पुराने दौर में जो बादशाह और राजा होते थे, जब वो जंग पे जाते थे ना, वो भी प्रोबेबिलिटीज का यूज करते थे। कैसा करते थे बताता हूँ मैं। कुछ प्यादा सिपाही होते थे जो पैदल चलते थे आगे भाला लेकर, भाला क्या होता यूपी के लोग मुझे बताना जरा, और उसके बाद पीछे उससे जो है वो घुड़सवार होते थे, घोड़े पे सवारी करते थे, उसके पीछे जो है आप किले के ऊपर तीर अंदाज बैठे थे, जो तीर चलाते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई कि हमारे पास अगर 1,00,000 सिपाही हैं तो उसमें 30,000 सिपाही प्यादा रहेंगे, उसके बाद 20-25,000 सिपाही जो है वो घुड़सवार रहेंगे, उसके बाद के सिपाही जो है वो तीरंदाजी करेंगे, और कुछ सब सिपाहियों को वो रिजर्व रखते थे कि एमरजेंसी टाइम पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा पीछे से हमला करने के लिए। ये होती है प्रोबेबिलिटीज। हम क्या करते हैं, आए खोले इंट्राडे ट्रेडिंग, हमको आज करना है, आज तो हम प्रॉफिट बना के रहेंगे, कल का गया हुआ पैसा आज तो लेकर रहेंगे, और आते हैं तुरंत एक बटन दबाते हैं, 1,00,000 रुपया कैपिटल है, 1,00,000 का एक माल लिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऑलवेज यूज प्रोबेबिलिटीज। कभी भी आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। प्रोबेबिलिटीज में बेनिफिट क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा लूज नहीं होता है। कम से कम 2 ट्रेड या 3 ट्रेड एट ए टाइम, कैश सेगमेंट वालों की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन फ्यूचर वाले तो बिल्कुल इस वीडियो से दूर चले जाओ, इस चैनल के आसपास मत भटको। आप लोगों के ट्रोल मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं कोई एक आम यूट्यूबर नहीं हूँ कि कमा नहीं पा रहा था इसलिए यूट्यूब पर आ गया। मैं ऑलरेडी प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, आप लोगों को सिखाना मेरा मकसद है, और इसीलिए मैं YouTube पर आया हूँ, आप लोगों को पढ़ा सकूँ, सिखा सकूँ। तो जो भी ऑप्शन फ्यूचर वाले हो, कृपया करके थोड़ा भाग जाओ, दूर चले जाओ, चैनल से कोसों दूर चले जाओ, 500 मील दूर चले जाओ, जिनको सीखना है वो यहाँ रुको। तो अगर आप कैश सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हो, 1,00,000 आपका कैपिटल है, उसके 3 पार्ट एटलीस्ट कर लो, और एट अ टाइम 2 ट्रेड को एक्टिवेट करो एट अ टाइम, भले वो 10-20-50 मिनट का गैप हो, लेकिन 2 ट्रेड लो, ताकि आपको 2 ट्रेड के अंदर प्रोबेबिलिटी भी वर्क करे। मान लो आपने एक केमिकल सेक्टर में ले लिया, एक FMCG सेक्टर में ले लिया, दोनों सेक्टर के अंदर न्यूज़ कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आ रही जा रही, दोनों के प्राइस ऊपर नीचे होंगे, तो एट लास्ट आपको कमाना कितना है, थोड़ा सा ही तो कमाना है यार। अगर आप 1% भी डेली बना लेते हो तो पूरे महीने में 20% बनाते हो, आपका कैपिटल 5 महीने में दुगना हो जाएगा। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर इस्तेमाल करते हो तो आप एक बादशाह कहलाओगे, क्योंकि ये बादशाह की रणनीति होती थी, ये राजाओं की रणनीति होती थी, प्रोबेबिलिटी पे काम करते थे, अपने फौजियों को अलग अलग टुकड़ियों में डिवाइड करके भेजते थे। कई बार जब बड़ी जंगें होती थी तो बहुत ज़्यादा फौजियों को अलग अलग सिपह सलार के अंडर में भेजते थे।
बहरहाल अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 हमें क्या कहता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो स्टॉक सिलेक्शन मेथड के पीछे नहीं भागते, बट अनट्रेंड अनप्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज सीक फॉर द स्टॉक सिलेक्शन मेथड। मुझे व्हाट्सएप पे आता है, सर स्टॉक सिलेक्शन मेथड बता दो। भाई साहब, स्टॉक सिलेक्शन मेथड नहीं करना है, नहीं देखना है, नहीं बताना है, अपने यूनिवर्स को तय करो। आप ये सोचो कि ये 10 स्टॉक्स है जिसके अंदर मैं पूरा साल इंट्राडे ट्रेड करूंगा। बहुत गौर से सुनना, जिंदगी बदलने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। 10 स्टॉक के अंदर आप पूरा साल काम करो इंट्राडे ट्रेडिंग। आप अपनी उस स्ट्रेटजी से काम करो जो आपने सीखा है कहीं भी XYZ फ्री में। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है उसको आप जाके बाय कर लो। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करके रखा है। 2000 रुपीज़ पे मात्र आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको स्टॉक सिलेक्शन मेथड के पीछे नहीं भागना है। 5 से 10 स्टॉक फिक्स कर लो और उसके बाद पूरा साल उसी के काम करो, उसी पे काम करो। अब मुझे बताओ एक साल के बाद कि आप जो है किस तरीके से प्रॉफिटेबल हुए हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। 5-6 महीने के अंदर ही आप रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। पुराने जो राजा महाराजा होते थे उनकी एक स्ट्रैटजी होती थी, फिक्स स्ट्रैटजी पे और फिक्स सिस्टम पे काम करते थे। बात समझ में आ रही? कुछ ही ट्विस्ट करते थे, कुछ चीज़ों को ट्विस्ट करते थे जो पूरी के पूरी रणनीति को बदल देता था। आपको यही कर रहा है, 10 स्टॉक पे काम करना है, कंसिस्टेंट काम करना है, सेम सिस्टम पे काम करना है, सेम स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस लो, ये करो वो करो, तो बहुत सारे यूट्यूबर ने गुण गाए हैं यूट्यूब पे। बट ये जो 3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सिद्धांत है, जेनेटिक्स है किसी भी इंट्राडे ट्रेडर की। जो गलतियाँ हैं वो यही तीनों हो रही है। स्टॉक सिलेक्शन मेथड के पीछे भागना नहीं है, आपके 5 से 10 स्टॉक सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके 20 से 25-30 स्टॉक सेलेक्टेड होना चाहिए। पूरा साल सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम करो और मुझे 12 महीने का ब्यूरो दो कि सर ये एक्सेल शीट है आपने जो बताया था, मज़ा आ गया। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। 73% ऐसे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दुश्मनी है मुझसे। सब्सक्राइब कर लो, चैनल अच्छा है, नॉलेज मिलती है, आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। मैं कल एनालिटिक्स देख रहा था, बहुत दिनों बाद मैं जल्दी चैनल का एनालिटिक्स नहीं देखता हूँ, मैं कंटेंट डिलीवर करने पे भरोसा करता हूँ। तो वहाँ मुझे दिखाई दिया कि 73% लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया हुआ है यार, और आके देख रहे, नॉलेज पूरा ले रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऐसी क्या दुश्मनी है? 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँचाओ, आपके लिए डिजिटल बोर्ड नहीं लाया तो मेरा नाम भी डॉक्टर मजहर नहीं। डिजिटल बोर्ड आप लोग के लिए लाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बड़े बड़े कैंडल्स पे, पर अभी खर्चा नहीं करूंगा मैं आप लोग के लिए। आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाओगे, डिजिटल बोर्ड मेरी एक गारंटी है, वादा आपसे तुरंत आ जाएगा। और हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम 10 तारीख को हो रहा है, लाइव सेशन है। अगर आपको ETF ट्रेडिंग सीखना है, आपको लगता है मेरी आंखों में देखकर कि सर जेन्युइन है और मेरी पढ़ाने की समझाने की स्टाइल आपको समझ में आ रही है, तो तुरंत इनरोल करो। नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, बहुत ही लिमिटेड सीट बची है। 3000 का प्रोग्राम है, आप डिस्काउंट कूपन ले लो तो डिस्काउंट भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है स्टॉक्स के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का।